हेलो गाइस, आज हम एक ऐसी कार बनाने वाले हैं जो कि चलती है वायरलेसली बिना किसी आर्डुइनो के। हम इसको रिमोट की मदद से चला सकते हैं, यहाँ तक कि टीवी के रिमोट के सहायता से भी। तो यार, यहाँ पर एक पावरफुल से लुक देने के लिए और ये सब पावरफुल सा बनाने के लिए यहाँ पर क्लैंप जोड़ लेते हैं नट बोल्ट से, ताकि जो हमारी मोटर है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर फिक्स हो सके। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर ये क्लैंप फिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने चारों क्लंप को फिक्स कर लिया है यहाँ पर। और अभी हमने यहाँ पर अपनी बो मोटर को लगाना है। ये जो बो मोटर है ये आई है SR रोबोटिक से दोस्तों। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी इनकी वेबसाइट। तो इनसे आप सामान ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको ये सारा किट प्रोवाइड करा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर यार सबसे पहले तो ये चार होल दिए गए हैं, इनमें से हम वायर्स को इनकी बाहर निकाल लेते हैं और इन वायर्स को हम छोटा करेंगे अभी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आपने ये दोनों वायर्स को आपस में जोड़ना है। और जोड़ने के बाद आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप इसे बैटरी से चलाओ तो दोनों मोटर एक ही डायरेक्शन में घूमनी चाहिए दोस्तों। तो अगर दोनों मोटर एक ही डायरेक्शन में घूम रही हैं तो आपने इन दोनों वायर को फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद आपने यहाँ पर दो कनेक्टर लगा देने हैं, ताकि यार यहाँ पर हमें बार बार सोल्डरिंग करने की जरूरत ना पड़े। तो हमने ऐसे ही दूसरे साथ भी करना है। यहाँ पर ध्यान रखना कि एक बार बैटरी लगाकर जरूर देख लें कि दोनों मोटर एक ही डायरेक्शन में घूम रही हों। यहाँ पर उसके बाद हमें चाहिए L293D की मॉड्यूल। और ये जो मॉड्यूल है ये काफ़ी अच्छा मॉड्यूल है। यहाँ पर आपने ये दोनों वायर जो मोटर की वायर्स हैं वो आपने मोटर के आउटपुट में जोड़नी है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर आउटपुट लिखा हुआ है साइड में। तो मोटर आउटपुट 1 और मोटर आउटपुट 2 में आपने ये दोनों वायर्स को जोड़ देना है। यहाँ पर हमारे पास ये TSOP मॉड्यूल है, ये SR रोबोटिक्स की तरफ से आया है दोस्तों। यहाँ पर आउटपुट लिखी हुई है, आउटपुट 0, 1, 2, 3 और एक ग्राउंड और VCC। VCC में 5 वोल्ट, ग्राउंड में आपको ग्राउंड को जोड़ देना है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा 5 वोल्ट और ग्राउंड। तो दोस्तों यहाँ पर इनपुट 1 और इनपुट 2 भी है, मोटर इनपुट 1 और मोटर इनपुट 2। आपने सेंसर है जो हमारा आउटपुट 0, 1 को मोटर के इनपुट 1 के साथ और आउटपुट 2, 3 को मोटर के इनपुट 2 के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर ये सारे कनेक्शन हो गए हमारे। अभी बस यहाँ पर 5 वोल्ट और ग्राउंड जोड़ देते हैं और इसको हम ग्लू गन से जोड़ लेते हैं, ताकि यार ये इधर उधर ना निकले। और यहाँ पर हम टायर लगा देते हैं इसके। तो ये जो सारी किट है ये SR रोबोटिक्स ने हमें प्रोवाइड की है, उनकी वेबसाइट पर एक बार ज़रूर देखें जाके। और ये बिना आर्डुइनो के चलती है और रिमोट से चलेगी वायरलेसली दोस्तों। वैसे तो ये जो सेंसर्स हैं ये आप इनको नट बोल्ट की सहायता से जोड़ सकते हैं, जो एक पक्का काम हो जाएगा, मतलब ये हिले डुलेंगे नहीं। तो यार अभी हमारे पास ये कनेक्टर आया था, ये सारा SR रोबोटिक्स की तरफ से आया है। इन दो बैटरीज को आपस में जोड़कर इसमें हम पावर देने के लिए लगा लेते हैं इसको। तो हमने इसको भी ग्लू गन से ही जोड़ लेंगे और यहाँ पर हम पावर देंगे L293D मॉड्यूल को। और अभी यार इसको चला के देख लेते हैं एक बार, और मैं आपको इसका रिमोट भी दिखा देता हूँ। अभी ये इस रिमोट कंट्रोल से चलेगी जो हमारा ब्लूटूथ किट का रिमोट कंट्रोल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर से आगे, 8 नंबर से पीछे, 5 नंबर से ये रुक जाती है, 4 नंबर से लेफ्ट और 6 नंबर से राइट चलती है दोस्तों। मतलब आपका जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा है। ये आप देख सकते हैं कुछ सैंपल्स। तो यार अभी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ जाकर एक बार ज़रूर चेक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।